सिक्योरिटी के रीजन से हम अलग अलग सिक्योरिटी डिवाइसेज और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से पायरेसी और धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है, इसी तरह से इसको कम करने के लिए आपको मार्केट में भी नए नए सिक्योरिटी डिवाइसेज और नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, ताकि आप अपने डिवाइसेज और उसमें रखी जानकारी को सुरक्षित रख सकें। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी की, तो वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन और आइरिस स्कैनर। ये टेक्नोलॉजी तकरीबन आपको आज के दौर में एंट्री लेवल से हाई एंड डिवाइसेज में देखने को मिल जाएगी। आपने इनमें से किसी ना किसी टेक्नोलॉजी को सिक्योरिटी के लिहाज से कभी ना कभी इस्तेमाल जरूर किया होगा। लेकिन हम सभी की सिक्योरिटी को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए एक और नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसे हम टंग प्रिंट स्कैनर या टंग आईडी रिकॉग्निशन सिस्टम भी कहते हैं। क्या ये फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट से सिक्योर होगा? ये भी तमाम तरीके के सवाल सामने आ रहे हैं। ये फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर सिस्टम की तरह ही एक बायोमेट्रिक सिस्टम है, जिसे हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो औरों से अलग होते हैं, जिनका हम सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी जीभ यानी टंग भी दूसरे व्यक्ति से अलग होती है, चाहे फिर उसकी लंबाई हो, उसका शेप हो या फिर टंग के ऊपर का पैटर्न हो, ये सभी दूसरे मनुष्य से अलग होते हैं। इसलिए हम टंग को एक आईडी के रूप में लेते हैं, और जो सिस्टम या टेक्नोलॉजी टंग आईडी को ऑथेंटिकेट करती है, टंग आईडी रिकॉग्निशन सिस्टम कैसे इस्तेमाल करते हैं या उन्हें कहें कि कैसे काम करता है, ये भी सवाल आपके जहन में आ रहा हो। आप सभी को फेस अनलॉक के बारे में तो पता ही होगा, ये भी बिल्कुल फेस अनलॉक की तरह ही काम करता है। हम 2D इमेज को कैप्चर करके उसको सॉफ्टवेयर से ऑथेंटिकेट करके इसे यूज में ले सकते हैं, लेकिन इसको हाई एंड सिक्योर बनाने के लिए एप्पल के फेस आईडी की तरह ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम टंग का 3D प्रिंट बना सकते हैं। नेक्स्ट नाइट टेक की रिपोर्ट।